नमस्कार, मैं विनोद गिरड़ा। मेरा बेटा माउंट्रा में फिफ्थ की एग्जाम अभी दी है इसने, जो कि KG1 से माउंट्रा में वो पढ़ रहा है। ये खाना चालू हुआ और माउंट्रा की पढ़ाई को लेके मैं और इनफैक्ट हम दोनों फुली सेटिस्फाइड हैं। माउंट्रा में उसने स्टार्टिंग से पढ़ा है, उसका बेस बहुत अच्छा बना है। और अभी भी एकेडमिक की बात करूँ तो एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल वो ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेके आता ही है मोस्टली। अभी इस ईयर उसने नेशनल लेवल क्लियर किया है स्पेलिंग बी का, तो एकेडमिक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। गेम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स भी उसका शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो ये दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ माउंट्रा टीम। माउंट्रा की टीम जो थी है, मतलब मैनेजमेंट बोले या टीचिंग स्टाफ बोले, दे ऑल आर फैबुलस, बहुत बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव है। अगर मैं बात करूँ इस साल की, जैसे इस साल पूरा ऑनलाइन था तो स्टार्टिंग में तो ये लगा था कि क्या पता कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसे आगे करेंगे, पर जब ऑनलाइन टीचर्स ने समझाया और चैप्टर्स जिस तरह से वो एक्सप्लेन करती थी, एक्टिविटीज़ कराती थी, इतना क्रिस्टल क्लियर था बच्चों को। और क्योंकि इस ऑनलाइन के कारण हम भी टीचर्स को एनालिसिस कर पाए कि कैसे वो समझाती हैं और कैसा उनका रिस्पॉन्स है बच्चों के लिए। जब बच्चे कोई क्वेश्चन करते हैं तो टीचर किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, या टीचर्स को बच्चों ने अलग से भी अपना क्वेश्चन डाउट डाला है तो टीचर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम लोग तो फुल्ली सेटिस्फाइड है माउंट्रा टीम से। पर इसी के साथ कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी सहयोग पूरा होता है। अगर हम बात करें कि हमने बीइंग अ पेरेंट, हमने भी पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है। जब भी हमें कोई क्वेश्चन आता था, टीचर कोई डाउट बोलती कि ऐसा बातें कराइए आप बच्चों को, तो हम बिल्कुल वैसा करा देते हैं। हर टाइम कैमरा ऑन रखना, एग्जाम के टाइम बिल्कुल सिंसियरली सारी नोटबुक्स अलग करके बच्चे को बैठा के एग्जाम दिलवाना, बीइंग अ पेरेंट हमने भी पूरी ड्यूटी निभाई है। क्योंकि माउंट्रा से इतना अच्छा कोऑपरेशन था कि खुद ही ऐसा फील आया। थैंक यू।